सानिया नेहवाल और पीवी सिंधु को प्रशिक्षण देने वाले बैडमिंटन के कोच पुलेला गोपीचंद अब स्कूली बच्चों को देंगे बैडमिंटन का प्रशिक्षण। देश के नाम कई मेडल हासिल कर अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे मेडल अपने नाम करा चुके पुलेला गोपीचंद अब फरीदाबाद के एक निजी स्कूल में बच्चों को बैडमिंटन का प्रशिक्षण देंगे। उन्होंने बैडमिंटन का प्रशिक्षण देने को लेकर फरीदाबाद के सेक्टर 88 स्थित एक निजी स्कूल में MOU साइन किया है। बता दें कि पुलेला गोपीचंद ने सानिया नेहवाल और पीवी सिंधु जैसे बैडमिंटन के बड़े खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया हुआ है। दोनों खिलाड़ी अब तक देश को कई मेडल दिला चुके हैं। फरीदाबाद पहुंचे पुलेला गोपीचंद ने कहा कि सरकार और बैडमिंटन एसोसिएशन का काफ़ी सहयोग रहा है, इसके चलते अब इस खेल को बढ़ावा मिल रहा है। यह तस्वीरें फरीदाबाद की सेक्टर 88 स्थित एक निजी स्कूल की हैं, जहां पर बैडमिंटन के कोच पुलेला गोपीचंद MOU साइन करने के लिए पहुंचे थे। साइबा नेहवाल और पीवी संधू जैसे खिलाड़ी निकले, किस तरह से देखते हैं इस MOU को? बहुत खुशी की बात है कि आज एशियन जैसे स्कूल में आज स्पोर्ट्स के प्रति इतना बढ़ावा मिल रहा है और बैडमिंटन का जो स्पोर्ट है उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और प्लेयर्स को या स्टूडेंट्स को जो फैसिलिटी चाहिए वो आज इतने बच्चों को मिल रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। और मैं डेफिनेटली सोचता हूँ कि यहाँ पे या भारत देश में कहीं पे भी बैडमिंटन का टैलेंट का कोई कमी नहीं है, अगर कमी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी और कल्चर की। और उम्मीद है कि जिस तरह का जो प्रोत्साहन हमें मिल रहा है उससे ज़रूर आगे आने वाले समय में हमें अच्छे बच्चे यहाँ से प्लेयर बन के उभर के आएंगे। ऐसी सर हाल ही में जो पाकिस्तानी खिलाड़ी ने बोला कि भारत जैसा प्रशिक्षण हमें मिले, भारत जैसी ट्रेनिंग हमें मिले, एक कोच होने के नाते ये कितना गौरवान्वित मानते हैं कि दूसरे देश और खासकर पाकिस्तान के खिलाड़ी भारत जैसी ट्रेनिंग चाहते हैं? आई थिंक पिछले चंद सालों में जिस तरह से बैडमिंटन का ही नहीं बहुत सारे स्पोर्ट्स का जिस तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा है और जो पॉलिसीज रहे हैं उसमें बहुत बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है। और डेफिनेटली आज के तारीख में हमें बड़े बड़े इवेंट्स में हमें रिजल्ट्स के तौर पे भी हमें देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में और भी अच्छा रहेगा, ऐसी उम्मीद है। और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और एक जनरल जो माहौल है स्पोर्ट का वो बहुत पॉजिटिव है। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस प्रोग्रेस एंड आई होप दैट कल के दिन बहुत से टॉप नेशन भी ये कह सकते हैं। बैडमिंटन में भारत को कई मेडल आपने जिताए हैं, अब अपने शिष्यों के लिए क्या कुछ टारगेट आपने डिसाइड किया है कि जो आप नहीं अचीव कर पाए वो आपके बच्चे अचीव करें? आई थिंक ओलंपिक का जो मेडल है मैंने अचीव नहीं किया था बट हमारे प्लेयर्स ने अचीव किया था, वो बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है। बट बहुत सारे जैसे कॉमनवेल्थ मेडल्स हो गए या एशियन लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे ओलंपिक लेवल पे ये सारे मेडल्स जो हैं हमारे प्लेयर्स जीतते आ रहे हैं और सिंगल्स डबल्स टीम इवेंट सारे में, तो बहुत गर्व की बात है। और हर साल हमारा पिछले साल से और बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, उम्मीद है कि ऐसा कंटिन्यू करते रहे। MVN की क्या खास बात रही जो आपको लगा कि MVN बेस्ट प्लेस है फरीदाबाद का, जहां आप अपना प्रशिक्षण यहां शुरू करना चाहेंगे? आई थिंक जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये जो एक्सीलेंस के माध्यम जो रूट पे जो मैनेजमेंट देख रहे हैं, आई थिंक दैट्स समथिंग विच इज वेरी अचीव। और जहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्टिंग फैसिलिटी पे इतना ध्यान देके बना है, दैट इटसेल्फ इज ह्यूज टेस्टिमोनी टू देयर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। आई एम वेरी हैप्पी। Thank you.
आपका भाई दोस्तों जिनने वीडियो नहीं देखी हो वीडियो देख लो, नीचे फोटो होगी उसे क्लिक कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।